Hello student, welcome to AGUM Institute. I hope all are good and well. Today I'll discuss about exam form fluff. Those students who have taken admissions for 2024, उसके लिए जिसका admission भी confirm हो चुकी है, जिसके enrollment number भी मिल ही गया, उसके पता करना चाहिए जो exam form fluff कितना तारीख को आ जाएगा, उसके बाद कितने तारीख को उसका जो TMA का है लगभग ऐसा मिल जाए, कितना तारीख को उसका सबमिट करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो पहले से आप लास्ट तक देख लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपका मिल जाएगा। लेकिन आज मैं हिंदी में कोशिश कर रही है, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन जस्ट आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट टू कवर दिस। आपका जो सोचना ही पड़ेगा एक्चुअली क्या है, जो TMA एग्जाम फॉर्म फिलअप जो होती है NIS का, तो पहली जो स्टार्ट होती है अप्रैल 2024 के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप जो भी होती है, आप मान के चलिए दिसंबर 1st, मतलब 1st दिसंबर टू आपका चलेगा 10th जनवरी, जनवरी 24 के लिए। ओके, तो 1st दिसंबर से जनवरी 2024 के लिए आपका कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। मतलब अगर आपका पास 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट मतलब जिसका लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश के साथ साथ PCMB और जिसका लैंग्वेज भी होती है, किसी का बंगाली होती है, किसी का हिंदी होती है, जो भी होती है ना, आपका पूरा 6 सब्जेक्ट के लिए आपका 1910 प्लस 10 बैंचेस, लगभग 1920 का फीस आपका लग दिया। तो ये जो भी है, अगर आप फॉर्म फिलअप किया तो एग्जाम फॉर्म फिलअप आप किया तो इस डेट में 1st दिसंबर टू 10th 2024 के लिए आपका पूरा 1920 रुपी लगेगा, इसका कोई लेट फी नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम समथिंग, ओके लाइक दैट, सो आप नहीं किया तो आपका फिर भी लेट फाइन शुरू हो जाती है 11 जनवरी तक, जनवरी 2024 टू 17 जनवरी 2004, कितना 100 रुपया पर सब्जेक्ट का, 100 रुपये लगभग आज का आपका जो 1920 रुपीज है, इसके साथ अगर 6 सब्जेक्ट है तो आपका मान के चलिए 1920 प्लस 600, ओके 0 to 15 आपका 22,520। और लास्ट तक जो भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है किसी का, अगर आप नहीं 17 जनवरी आप नहीं फॉर्म फिलअप, एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वेरी शॉर्ट टाइम, आपका 18 जनवरी 2024 से आपका 25 जनवरी 2024, यही लास्ट डेट है। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जो भी है, आपका मान के चलिए आपका 6 सब्जेक्ट है जिसका लगता है 1920, उसके बाद आपका 1500 ये लगभग एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 2-4 लगभग ये आपका टोटल एग्जाम फीस लगेगा। अगर आप इस डेट में आप मान के चलिए अगर आप इस डेट में आप 25 जनवरी आप नहीं किया तो बाई चांस आप मिस किया था 25 का, लेकिन 26 अगर हो जाती थी तो 26 अगर आप मतलब लास्ट 25 जनवरी अगर ये डेट क्रॉस हो गया तो मतलब 26 जनवरी हो गया तो आपका पूरा साल पूरा मिस ही हो जाएगा, लेकिन यही लास्ट डेट आपका। ओके, सो आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट। सो आपका पूरा प्रोसेस होती है 1st दिसंबर टू 25th जनवरी, ओके 2024 आपका मिलेगा। अगर जिस दिन आप एग्जाम फॉर्म फिलअप किया तो मान के चलिए आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो गया तो आपका नेक्स्ट जो तरीका आ जाएगा, जो भी प्रोसेस आ जाएगा उसका कहता है TMA। ओके, सपोज आप चाहिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कट दिया है, ओके तो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है TMA, टीचर मार्क्स असाइनमेंट, क्योंकि टीचर मार्क्स असाइनमेंट अभी जब भी आप फॉर्म फिलअप डाउन कीजिए आपका डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्या है,
TA में आपका जो भी प्रोफाइल है वही से आप मिल जाएगा, और हमारा जो लिंक वगैरह है वही से आपका TMA का क्वेश्चन पूरा मिल ही जाएगा। तो अगर TMA का लास्ट डेट होती है 31 जनवरी 2024, ओके, तो TMA अगर इस तारीख को अंदर आपका TMA सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप TMA नहीं सबमिट किया तो आपका जो TMA का जो 20 मार्क्स होती है आपका पूरा जीरो मिल जाएगा। लगभग आप मान के चलिए आपका बंगाली और इंग्लिश का आपका जो भी एग्जाम होती है ना, आपका पूरा क्या है TMA के अंदर 20 रहता है, रिटर्न के लिए 80 नंबर होती है, इंग्लिश भी तो 80, ये जो पूरा 20 मार्क्स आपका पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब आपके 80 नंबर से आप एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो TMA का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इट्स अ वेरी सिंपल वे, इफ यू आर not understanding what I am saying, but you can call me or WhatsApp me, after that I will respond this call, okay? So, आपका जो TMA जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, okay? तो इसे आप मत फिक कीजिए, आप बहुत कोशिश कीजिए TMA के मार्क्स पाने के लिए। तो सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ, तो आप तुरंत कीजिए, आपका तुरंत कीजिए, हमारे जो प्रोसेस रहता है TMA के जो भी प्रोसेस होती है, अगर आप मिस किया तो आपका पूरा मार्क्स चला जाती है, ओके। तो TMA बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप TMA नहीं लिख पा सकते हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हमारा जो TMA जो हमारे जो एक्सपर्ट वगैरह है वो भी लिखा है TMA, तो अगर आप यही पूरा सबमिट कीजिए, हमारा जो भी रिटर्न है कॉपी पेस्ट, हाँ मान के चलिए आप पेमेंट किया था हमारे, आपका जो व्हाट्सएप और मेल में हमारा सेंड कर देंगे पूरा TMA, आप कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, आपका पूरा 20 का 20 मार्क्स मिल जाती है। तो ये 20 20 मार्क्स मिलने के लिए बहुत, तो इसीलिए मैं आई एम यू प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट TMA, एज सुन एज पॉसिबल आप कर सकते हैं, पूरा TMA का आपका क्वेश्चन भी मिल जाएगा, अगर आप वेबसाइट जाना चाहते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो भी आपका पूरा मिल जाएगा। अगर आप यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन कॉल मी एट व्हाट्सएप में, आवर टीम विल रेस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व योर TMA किसी भी तरफ। व्हाई आई एम सेइंग दैट इन इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज आई एम गेटिंग कॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट, ओके, एंड दे आर डिमांडिंग सम TMA, डिमांडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स, या that's why they are not understanding Bengali. I'm trying to in English, because hamara jo tarika, hamara jo uddesh hai pura India ka, pura student ke help karna chahiye. So agar aap interested hai to aap please judiye hamara sath, like kijiye, share kijiye, I'll inform more about this as soon as possible. So today's all, it is all over, so wish you all the best, thank you very much.